समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले, समाज को एक नई दिशा देने का काम किया। और हम समाजवादी लोग हर वर्ष यही संकल्प लेते हैं कि जो आचार्य नरेंद्र देव जी ने रास्ता दिखाया था, उस रास्ते पर चल करके समाज की सेवा, देश की सेवा करेंगे। वहीं आज के दिन सरदार पटेल जी को भी याद करते हैं, जिन्होंने देश को एक कर करके एकजुट किया। तमाम रियासतें, तमाम तरह के अलग अलग लोग थे जहां एक कर करके भारत को मजबूत बनाने का काम किया। वहीं महर्षि वाल्मीकि जी को भी याद करते हैं, जिन्होंने देश को और दुनिया को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रास्ते पे चलने के लिए और रास्ता दिखाया। इसलिए आज महत्वपूर्ण दिन है, तीनों महापुरुष जहाँ पर हम उनके रास्ते पे चलें, वहीं देश जो हमारा इतना बड़ा है, जो लगभग 130 करोड़ का देश है, और इस समय सबसे ज़्यादा लोग तकलीफ और परेशानी में हैं। आज लोगों की नौकरी छूट गई है, रोजगार छिन गया, किसान ने जो भी पैदा किया उसकी कीमत नहीं मिल पाई, MSP के लिए कहाँ जाए कोई रास्ता नहीं दिखा रहा, और जो खुशहाली तरक्की होनी चाहिए थी दुनिया के पैमाने में, हमारा देश आबादी में ज़रूर है, इतने महापुरुष दिए, लेकिन उसके बावजूद भी उनके रास्ते पे सरकारें न चल करके एक ऐसा रास्ता अपनाया है जिस देश में सबसे ज़्यादा भुखमरी हो गई, किसान सबसे ज़्यादा तकलीफ में हो, गांव की तस्वीरें नहीं बदल पाए, जो विकास अधूरा छूट गया है उसको आगे बढ़ाने के लिए समाजवादी लोग आचार्य नरेंद्र जी के रास्ते पे चल करके संकल्प लेते हैं कि देश को मजबूत करेंगे, समाज को एकजुट कर करके भाईचारा बढ़ाएंगे। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी गठबंधन कर सकती है। सवाल ये भी है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी से चुपचाप अंदर मिले हुए हैं उनका पर्दाफाश हो, इसलिए समाजवादी पार्टी ने निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन किया था। उनका कहना है कि फोन किया गया आपको, उनको लगा कि शायद डिंपल जी को लाया जाएगा, इसलिए वो बार बार फोन कर रहे थे आपको, लेकिन आपकी तरफ से रिस्पांस नहीं दिया गया। प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर जाए, जहां हम खड़े हैं नदी का किनारा है, कभी किसी ने माँ गंगा की संकल्प लेकर के, माँ गंगा की कसम खा करके माँ गंगा को साफ करने का संकल्प लिया था, और यही गोमती, यही उदाहरण है कि शहर में साफ सुथरी बहे, उसके लिए समाजवादियों ने काम किया। आज उसकी हालत कैसी है, मेट्रो जहां तक पहुंची है उसके आगे नहीं बढ़ पाई। कम से कम आपको 4 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात तो करनी चाहिए, क्योंकि अगर 4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा तो प्रदेश खुशहाली के रास्ते पे जाएगा, लोगों का वेतन मिलेगा, लोगों की खुशहाली आएगी, आप लोगों की भी तरक्की होगी उससे। जब प्रदेश का बजट ज्यादा होगा तो आपको भी उसका कुछ न कुछ हिस्सा मिलेगा, खुशहाली के रास्ते पे हम सब जाएंगे। सर, आप साफ साफ कह रहे हैं कि BSP BJP के ये था और समाजवादी सोच के लोगों का ये मानना था कि निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन करेंगे, कम से कम वोट पड़े, ये बात जनता जाने कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी कैसे मिले हुए हैं। और हमें और आपको चर्चा इस बात की करनी चाहिए कि कोविड अभी गया नहीं है, कोविड अभी जाने वाला नहीं है, तो हमारी अर्थव्यवस्था कैसे पटरी पे आएगी, हम लोग कैसे खुशहाली के रास्ते पे जाएंगे, बड़ा सवाल है। आप बताइए, कोविड में क्या टेस्ट न होना यही करेंगे आप, क्या वो बीमारी का इलाज आ गया, क्या गरीब को अस्पताल में इलाज मिल पा रहा है, क्या लोगों के साथ जो भेदभाव होना नहीं होना चाहिए था, क्या भेदभाव नहीं हो रहा, इससे सवाल बड़े हैं। शुक्रिया।